हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एडवेटिक्स एंड आज होने वाला है बहुत ही मस्ती वाला, बहुत ही बढ़िया सेशन। और आज जो हम सेशन में करने वाले हैं ना, वो है प्रोबेबिलिटी। राइट। और इस सेशन में ना मैं प्रोबेबिलिटी के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आज आपको डिफाइन करूंगी। सो ये होगा पार्ट वन, ठीक है। और इसमें सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन किए जाएंगे। पार्ट टू में एक्सरसाइज को शुरू करवाएंगे। हाँ, एक और चीज़, इसमें फर्स्ट पार्ट में हम एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस मैं देखो आज आपको बताऊंगी, करवाऊंगी, तो वो मैं आपको लिस्ट बना दूंगी, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि ये एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं, और जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो एक्सरसाइजेस के रिमेनिंग क्वेश्चंस पार्ट टू में आएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला जानेंगे। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी को सिंपल शब्दों में बोले तो पॉसिबिलिटी, या फिर बोला जा सकता है कि चांसेस किसी चीज़ के होने के या ना होने के, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी हम अपनी मैथमेटिक्स की टर्म में यूज़ करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है इज़ वेरी सिंपल अगेन, दैट इज पी ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। देखो अब यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड तीन टर्म्स आती है, पहले वो जानते हैं फिर इस फॉर्मूला को जानेंगे। वो तीन टर्म्स क्या है? तो प्रोबेबिलिटी की वो तीन टर्म्स हैं। पहली टर्म तो बोलेंगे हम फर्स्ट, यू नो प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं हम, और इसके तीनों टर्म्स को हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला है एक्सपेरिमेंट, दूसरा है आउटकम, और तीसरा क्या है? तीसरा है इवेंट। तो वैसे तो आप प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ते आए हैं ना, तो इस वजह से मुझे बहुत स्टार्टिंग से जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि हम फिर पढ़ रहे हैं तो एक बार सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने एक डाइस थ्रो करी। सो थ्रोइंग अ डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट। थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, पेन चेंज कर लेते हैं, राइट। तो थ्रोइंग ऑफ अ डाइस डाइस क्या होता है? जैसे आप लूडो खेलते हो, इज एन एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स, अब जैसे आपने डाइस को थ्रो किया तो आउटकम्स क्या है, यानी क्या क्या रिजल्ट आते हैं? तो आपने देखा होगा जब आप डाइस को थ्रो करते हो तो उसमें छह नंबर्स होते हैं, और आप जब भी डाइस को थ्रो करते हो उन छह नंबरों में से कोई एक नंबर आता है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। व्हाट इज इवेंट? नाउ इवेंट का मतलब है कि आपने जब वो एक्सपेरिमेंट किया उसके आउटकम्स आपके पास आए, तो उन आउटकम्स में से आपसे कोई एक चीज पूछी गई, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। सो दैट इज अ इवेंट। सो फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3, या कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो व्हाट इज इवेंट इज बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट से आपको आउटकम मिले, उन आउटकम्स में से आपको फिर इवेंट बताना होगा जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली। अब यहीं से आपका जो बनता है प्रोबेबिलिटी का क्या कहते हैं हम फॉर्मूला, इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि जो चीज़ डिजायरेबल है, जो चीज़ इवेंट में पूछी गई है, अपॉन वो टोटल पॉसिबल आउटकम, जो भी टोटल आपके आउटकम्स हैं उनमें से जो फेवरेबल आउटकम है। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे हमने जो ये बना रखा ना फ्लो चार्ट, तो यहीं से समझते हैं हम। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लेट्स सी थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, यहाँ पे आउटकम्स आए 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3।
तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम. और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? 6. यानी कि जो भी आपका इवेंट होगा वो इन 6 चीज, वो जो भी आपका आउटकम आएगा वो इन 6 नंबरों में से आएगा. तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6 अपॉन गेटिंग नंबर 3. अब यहाँ पे कितनी बार 3 आ रहा है? सो इट इज ओनली वन टाइम. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज 1/6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम. यहाँ पे टोटल आउटकम 6 थे, आपसे मांगा गया कि 3 कितनी बार आएगा, तो 3 आपने बोला 1/6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ गेटिंग नंबर 3 इज 1/6. 6 इज द टोटल पॉसिबल आउटकम एंड 1 इज द फेवरेबल आउटकम, दैट वॉज द 3. नाउ एक अपन क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स से कि हाँ, एक बैग है, इसमें आपके पास 4 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल इज व्हाट? सो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, अगर हम पी ब्लू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू इज, टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके सॉरी 7. सो टोटल पॉसिबल आउटकम इज 7. तो नीचे तो 7 आ जाएगा. फेवरेबल आउटकम क्या मांगा गया है आपसे? दैट इज 3, दैट इज ब्लू बॉल्स. और कितनी है ब्लू बॉल्स? 3. सो 3/7 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स. दिस मीन अगर आपने हार्ड डाला इस बैग में तो आपको 3 बार ऐसा चांसेस है कि ब्लू बॉल मिले. ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ब्लू बॉल्स? अब ब्लू बॉल्स नहीं मिलेंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो रिमेनिंग बॉल्स जो भी हैं उनको आप, जो भी टोटल नंबर बॉल्स हैं, जो मतलब ब्लू बॉल्स आपको दे रखी है ना, तो उसको आप माइनस कर दो 7 से. तो अगर आप 7-3 करोगे यू विल गेट 4, एंड 4 आर योर नॉट ब्लू बॉल्स एंड दीज आर द ब्लैक बॉल्स. अब यहाँ पे ना एक अपना फॉर्मूला आता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज पीई, आई थिंक देख रहा है ना, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स अब ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है. लेट्स से आपको इस एग्जाम्पल में ब्लू बॉल्स दे रखी थी. ब्लू बॉल्स कितनी दे रखी थी आपको? ब्लू बॉल्स कितनी थी अपने पास? 3/7. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल इज 3/7. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू बॉल इज लेट्स से पीई नॉट. पीई नॉट का मतलब है कि यू विल नॉट गेट द ब्लू बॉल्स, क्योंकि जो आपसे मांगा गया था वो है पीई. एंड पीई नॉट जिसमें हम ई के ऊपर डी डैश लगा देंगे, दैट इज पीई नॉट, यानी कि जो आपसे नहीं मांगा गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू बॉल्स, दैट इज पीई नॉट इज इक्वल टू 1. ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे पीई दैट इज 3/7 विच इज द ब्लू बॉल प्लस पीई नॉट दैट इज 4/7. हाउ 4/7? क्योंकि जो ब्लू बॉल्स नहीं है वो है ब्लैक बॉल्स. सो ब्लैक कितनी है? 4 है. टोटल कितनी है? 7 है. 4/7 इज इक्वल टू व्हाट? तो 3+4 क्या होता है? 7. 7/7 दिस गिव्स यू 1. दिस प्रूव्स दिस स्टेट, दिस फॉर्मूला, इससे आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि अगर आप पी ई और पी ई नॉट को ऐड करोगे तो आपके पास 1 आएगा. यानी कि अगर आपने कोई एक चीज़ निकाली है तो रिमेनिंग चीज़ों को अगर आप उससे ऐड कर दोगे तो आपका हमेशा 1 ही आंसर आएगा. यहाँ से एक चीज़ और आपने सीखनी होगी. इसी फॉर्मूला में अगर लेट से मुझे ना, अभी इन दिस केस तो मुझे पता था कि कितनी है ब्लू बॉल्स, मुझे पता था ना कितनी, सॉरी मुझे ही पता था कितनी है ब्लैक बॉल्स. मुझे पी ई दे रखा है और मुझे 1 पता है और मुझे ये फॉर्मूला पता है, तो क्या इससे मैं पी ई नॉट निकाल सकती हूँ? लेट से कि अभी मुझे नहीं पता है कितनी ब्लैक बॉल्स है, मुझे नहीं पता है कि कितनी ब्लू बॉल्स नहीं है. दैट मीन्स कितनी ब्लैक बॉल्स हैं ये मुझे नहीं पता. आई डोंट नो हाउ मेनी ब्लैक बॉल्स आई हैव, बट आई नो हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आई हैव. आई कैन फाइंड पी ई नॉट. हाउ आई कैन फाइंड? सी, इस फॉर्मूला में अगर मैं देखूँ तो 3/7 मुझे पता है कि मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल्स की. ये नॉट हैविंग द ब्लू बॉल्स इज पी ई नॉट इज इक्वल टू 1.
अब इस फॉर्मूला में अगर मैं 3/7 को राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 - 3/7। अब एलसीएम लेते हैं, पी ई नॉट इज इक्वल टू एलसीएम ये 7, तो ये 1 × 7 और ये हो जाएगा 7 - 3 इज इक्वल टू 4/7। सॉल्व किया मैंने, आई विल गेट 4/7। सो नाउ पी ई नॉट इज 4/7 एंड इट इज करेक्ट। बिल्कुल ठीक बोला, हमने भी 4/7 ही निकाला था पी ई नॉट, और इस फॉर्मूला से भी हमारा पी ई नॉट 4/7 आया। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप पी ई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और अगर आपको पी ई नॉट दे रखा है तो आप पी ई की, अगर पी ई दे रखा है और पी ई नॉट निकालना है तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। फ्रॉम दिस फॉर्मूला आप क्या निकाल सकते हो, अगर पी ई की वैल्यू दे रखी है तो पी ई नॉट निकाल सकते हो, अगर पी ई नॉट की वैल्यू दे रखी है तो पी ई निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला सीख लिया, आपने ये सीख लिया कि अगर आपको कोई नंबर ऑफ आपको अगर फेवरेबल आउटकम्स दे रखे हो और आपको रिमेनिंग चीज़ें निकालनी है तो आप -1 कर दो, आपके पास रिमेनिंग चीज़ें आ जाएंगी बाय दिस फॉर्मूला। नाउ लेट्स से कि इसमें मेरे पास ब्लू और ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, इस टर्म में, और अगर कोई मुझसे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, दैट जीरो। वाई जीरो, कि वो तो निकल ही नहीं सकती ना, रेड बॉल्स इसमें है क्या, नहीं है, सो 0/7 हम कर देंगे। वाई 0/7, क्योंकि फेवरेबल आउटकम आपका क्या है, रेड बॉल्स, जो कि इसमें है क्या, नहीं है, और टोटल आपका पॉसिबल आउटकम है 7, तो 0/7 गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, दैट इज 0। एंड अगर लेट से मेरे पास एक दूसरा टब है और इसमें केवल रेड बॉल्स ही रेड बॉल्स है, and if someone is saying that what is the probability of getting the blue ball, so that is again 0. why 0? क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास green balls निकल नहीं सकती हैं, इसमें तो है ही नहीं green balls, so again it is 0. now let's see what is the what from this term, what is the probability of getting the red balls, that is yes, that is 1. why 1? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 आपके हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम भी 6 है क्योंकि सारी बॉल्स ही 6 है, तो 6/6 = 1। ऐसे एक दूसरे एग्जांपल लो, लेट्स से आपके पास एक प्लेट में 4 ऑरेंजेस हैं और आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल पिक अप अ ऑरेंज फ्रॉम दिस ट्रे फ्रॉम दिस प्लेट, सो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम इज 4 एंड द फेवरेबल आउटकम इज अगेन 4। वाई? बिकॉज आपसे मांगा गया है कि कितने ऑरेंजेस हैं प्लेट में, जो अगर आप हाथ डालोगे तो आप निकाल सकते हो, सो अगेन वो तो है सारे के सारे, सो दैट इज 4/4 विच गिव्स यू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वेयर यू हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इज ऑलवेज, सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, वेन एवर अ प्रोबेबिलिटी इज 1 ऑफ एन इवेंट देन इवेंट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। तो ये एक श्योर इवेंट है, जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उन इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी हैव, सो इवेंट्स हैविंग प्रोबेबिलिटी 1, हैविंग प्रोबेबिलिटी 1, ऐसे इवेंट जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 होती हो, सच इवेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड श्योर इवेंट्स। ठीक है, and events having probability 0, such events are called impossible event। ठीक है, जैसे यहाँ पे red balls को निकालने की बात थी ना, so probability of getting red balls from this chub is 0 and such an event is called impossible event। यहाँ पे तो सारी red balls थी, तो यहाँ पे probability of getting red ball is 1, such an event is called sure event। अब यहाँ पे ना आपका यहाँ से चीज़ आपको समझ में आती है कि कोई इवेंट अगर नहीं होगा और कोई अगर इवेंट होगा ही होगा, तो वो इवेंट जो नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0 और जो इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1, और जो इवेंट अनसर्टेन टू हैपन है, यानी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, सो वो लाइक करते हैं 0 से 1 के, एंड यहाँ से आपको रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी पता चलती है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम 0 to 1, यानी कोई भी अगर इवेंट आप अगर कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो या तो वो 0 होगी अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट है, या फिर वो 1 होगी अगर वो श्योर इवेंट है, और अगर उस इवेंट में थोड़ा अनसर्टेनिटी है, 50-50 चांसेस है, हाफ चांसेस है, 1/4 चांसेस है, सो इट विल लाई बिटवीन 0 and 1। फॉर एग्जांपल 0.65, 0.2, 0.3, ये सब इवेंट है जहाँ पे किसी चीज़ के होने की संभावना है भी और थोड़ी नहीं भी है,
लेकिन जो इवेंट जो पता ही है कि नहीं होंगे, सो दैट इज जीरो, और वो इवेंट जो हमें पता है कि होंगे ही होंगे, दैट इज वन, और जीरो और वन के बीच में ही हमारी रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो जीरो या जीरो से बड़ी होगी या फिर वन या फिर वन से छोटी होगी, तो ग्रेटर देन वन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन वन एंड इक्वल टू वन, ठीक है। एंड फ्रॉम हेयर नाउ आई एम स्टार्टिंग विद सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन योर बुक, जो छोटे छोटे से हैं और जिनको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यानी कि जो इवेंट होगा प्लस जो इवेंट नहीं होगा, जो नहीं दिया गया है, हमने फॉर्मूला देखा था पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू वन, वही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज जीरो, ऐसे ही इवेंट जो हो ही नहीं सकता तो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है जीरो, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा, दैट इज सर्टेन टू हैपन, दैट इज श्योर टू हैपन, इज कॉल्ड इज वन। तो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सर्टेन होती है, इनकी होगी ही होगी, तो वो हमारे वन होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा, तो उन वाले केसेस में जो प्रोबेबिलिटी इज वन, दैट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। तो एक ऐसा इवेंट जहाँ पे प्रोबेबिलिटी वन हो, ऐसा इवेंट हमारा श्योर इवेंट होता है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट इज डैश। अच्छा, एलिमेंट्री इवेंट होते हैं जैसे कि मैंने एक कॉइन थ्रो किया, कॉइन को थ्रो करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यहाँ पे हेड या टेल दोनों ही आउटकम्स के आने की चांसेस वन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज ऑल्सो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड के आने के चांसेस भी वन है, आउटकम ऑफ हेड इज ऑल्सो वन एंड आउटकम ऑफ टेल इज ऑल्सो वन, देयर प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो सेम। सो सच एन इवेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का जो सम होता है वो हमेशा वन होता है। कैसे? देखो, आपने हेड लिया टेल लिया कॉइन का, एक कॉइन में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2। वाई 1/2? टू क्या है, देखो टोटल पॉसिबल आउटकम दो हेड है और टेल है, दो पॉसिबल आउटकम है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज टू। हेड के आने के चांस भी वन है और टेल के आने के चांस भी वन है, तो यहाँ से आपको हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी मिलती है। अगर आप 1/2 1/2 को ऐड करो, यू विल गेट वन, यू विल गेट वन। सो दिस इज एन एलिमेंट्री इवेंट जहाँ पे दोनों ही चीज़ों की जो प्रोबेबिलिटी है वो वन है, मतलब दोनों ही जो सारे आउटकम्स हैं उनके आने की, उनके आउटकम की प्रोबेबिलिटी वन है, जो सारे आउटकम्स हैं वो वन है। जहाँ पे सारे आउटकम्स वन होते हैं वहाँ पे उन सबका सम भी वन ही होता है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू वन, जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की वो ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल होगी जीरो की, और लेस देन होगी या इक्वल होगी वन की। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, इसका आंसर सबके लिए वेरी करता है। एनसीईआरटी ना क्या कहती है, को इक्वली लाइकली आउटकम होता है ऐसे आउटकम, बेसिकली जो ज़्यादातर एलिमेंट्री आउटकम्स एलिमेंट्री इवेंट होते हैं ना, वो ज़्यादातर मेनी टाइम्स एलिमेंट्री इवेंट्स जो होते हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स के होते हैं। अगर मैंने हेड और टेल लिया तो हेड भी 1/2 है और टेल भी 1/2 है, दोनों वन वन है, हेड और टेल दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 है, ऐसे इवेंट को हम इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट भी कुछ ऐसे ही होते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी चीज़ की होने की वो वन होती है, लेकिन इक्वली लाइकली आउटकम में क्या है कि वो वन भी हो सकती है, वो टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है। इक्वली लाइकली आउटकम्स कैन बी वन, कैन बी टू, कैन बी थ्री। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास छः टॉफ़ीज़ ग्रीन है, छः टॉफ़ीज़ ब्लू है, तो छः छः टॉफ़ीज़ हैं मेरे मेरे पास टोटल 12 टॉफ़ीज़ हैं, और छः टॉफ़ीज़ रेड है, छः टॉफ़ीज़ ब्लू है। सो यहाँ पे हमारे अगेन इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि दोनों तरफ छः ही है हमारे पास टॉफ़ीज़ के कलर्स जो है। सो इक्वली लाइकली आउटकम यानी जहाँ पे 50-50 चांसेस दोनों होते हैं। अब एक ड्राइवर है जो कार शुरू कर रहा है, कार शुरू होगी नहीं होगी, इक्वली लाइकली आउटकम। एक प्लेयर है जो कि खेल रहा है बास्केटबॉल, वो शूट करेगा या फिर शूट नहीं कर पाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम है। एक क्वेश्चन का आंसर दिया वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इक्वली लाइकली आउटकम है। एक बेबी बॉर्न हुआ है वो या तो गर्ल हो या बॉय होगी, इक्वली लाइकली आउटकम है। बट इन एनसीईआरटी फर्स्ट एंड सेकेंड के नॉट इक्वली लाइकली आउटकम दे रखे हैं, और रीजन आप मुझे बताएंगे। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट
बॉल एट बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल। जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं ना गेम में, तो उसको एक फेयर वे देखा जाता है, एक सही तरीका देखा जाता है, जिसके थ्रू ही डिसाइड किया जाता है कि किस टीम को बॉल मिलेगी एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। दिस इज बिकॉज क्योंकि टॉसिंग अ कॉइन हैज इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के चांसेस बराबर है। सो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम वुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम इज बिकॉज टॉसिंग ऑफ अ कॉइन हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये ध्यान रखना कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0-1 के बीच में लाई करेगी। 2/3 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो वो आपका 0.67 समथिंग कुछ ऐसा आएगा, 0.6 बार। हाँ, इसका था 0.6 बार, 6 बार यानी 666 रिपीट होता जा रहा है। तो ये 0.6 यानी 0 से तो बड़ा ही है ना ये। सो दिस इज अगेन एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। -1.5 जो भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो कभी भी प्रोबेबिलिटी में नहीं आते हैं, क्योंकि 0 से बड़ा या 0 के बराबर आपकी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। नेगेटिव्स में यानी 0 से छोटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो दूसरा वाला नहीं होगा, तीसरा वाला होगा, क्योंकि अगर आप 15 को अपॉन 100 करके लिखोगे यू विल गेट 0.15। 0.7 इज अगेन ग्रेटर देन 0, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब यहाँ पे इफ पीई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पीई। देखो यहाँ पे आपका ना फिर से वही वाला फॉर्मूला लगेगा, एक सेकेंड रुके। तो देखो यार यहाँ पे ना आपको क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा बुक को हम नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, राइट। यहाँ पे मैं आंसर आपका लिख रही हूँ। सो यहाँ पे ना आपको फॉर्मूला लगाना है अपना, पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। पी ई आपको दे रखा है 0.05 प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 है। अब अगर आप 0.05 को कुछ इधर लेके गए टूवर्ड्स द राइट, तो अगर ये प्लस 0.05 है ना, पॉजिटिव है, हमें पता है 1 के पास जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू के इर्द गिर्द जब मूव करते हैं तो साइंस ऑलवेज चेंज। तो पी ई नॉट विल बी 1 - 0.05। आप इसे सॉल्व करें, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 1 - 0.05। यहाँ से आपको उसको सॉल्व करना है। तो ये वाला मैंने आपको 5th का बता दिया, ठीक है। अब 6th का देखते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। देखो बैग में कौन से फ्लेवर की कैंडीज है, लेमन फ्लेवर कैंडीज है। मालिनी उन कैंडीज में से कोई एक कैंडी निकालती है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज कैंडी निकाल रही है। जो बैग में है ही केवल लेमन कैंडीज, तो कैसे आ सकती हैं ऑरेंज कैंडीज, बिल्कुल नहीं आ सकती। तो ये क्या हो गया आपका, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इम्पॉसिबल इवेंट मैं आईपी लिख रही हूँ, इम्पॉसिबल इवेंट यानी जो हो ही नहीं सकता। कैसे निकल सकती हैं ऑरेंज जब है ही नहीं, तो लेमन ही निकलेंगी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी पूरे बैग में लेमन भरी हुई है तो वो लेमन ही निकलेंगी। सो दैट इज श्योर इवेंट, एंड ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती 1। तो ये श्योर इवेंट है विद प्रोबेबिलिटी 1। दिस इज द फर्स्ट वन इज इम्पॉसिबल इवेंट बिकॉज बैग में है ही नहीं ऑरेंज कैंडी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सेकेंड पार्ट की है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलेंगी, श्योर इवेंट है, इसमें प्रोबेबिलिटी 1। अब ये देखो 7th क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट the two students have the same birthday। आपको उसमें PE निकालना है। देखो not दे रखा है, PE not, same birthday नहीं आता जिनका, है ना, एक negative sentence kind of हो गया ये। तो PE plus PE not is equal to 1। तो PE you need to find, यानी कि जिनका birthday आता है same date को, लेकिन आपको उसके लिए PE not दे रखा है, that is 0.992।
इज इक्वल टू 1। देखो ये ना बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं नहीं करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे जब आप इस 0.992 को 1 के पास लेके जाओगे तो पी ई निकल जाएगा, यानी कि वो दिन जिस दिन बच्चों का बर्थडे सेम डे पे होगा। ठीक है, सेम बर्थडे होगा, सेम डे पे है ना, हाँ जो सेम बर्थडे, सेम दिन पे जिनका बच्चे का बर्थडे आ रहा है वो निकल जाएगा 1 माइनस 0.992। 0.992 क्या था? पी ई नॉट, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है कि इतने जो हमारे दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द बर्थडे ऑन द सेम डे। वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द बर्थडेज ऑन द सेम डे। फॉर दैट वी विल डू दिस फॉर्मूला, विल टेक दिस फॉर्मूला एंड वी विल फाइंड 1 माइनस 0.992 टू गेट पी ई विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम बर्थडे। सो फ्रॉम हियर यू विल फाइंड इट। नाउ इट इज गिवन दैट यू गेट फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सारी ये यहाँ तक तो हमने सारे कर ही लिए। क्वेश्चन 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, व्हाट इज द, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बैग ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। ठीक है, देखो एक बैग है, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। ये बैग है, इस बैग में हमारे पास 3 रेड बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज रेड, क्या प्रोबेबिलिटी की रेड बॉल्स बनेंगी। सो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल आपकी टोटल पॉसिबल आउटकम, देखो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है, आपको रेड बॉल चाहिए, दैट इज 3 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8 टोटल पॉसिबल आउटकम है 8, 3/8 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल्स, अब देखो उसको मैं ना दो तरीके से आपको बताने वाली हूँ, है ना, बल्कि तीन तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तरीका तो है ना, चलो अभी दो तरीके ही बताती हूँ, ठीक है। एक तरीका तो देख के पता चल रहा है कि जब यहाँ पे लिखा हुआ ही है, गिवन है, बिलो गिवन हेयर दैट 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो ऑब्वियसली 5/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स, राइट। लेकिन वी विल यूज अगेन the formula, that is PE plus PE naught is equal to 1. PE is 3/8. PE naught we need to find, that is the ball which is not red, is equal to 1. PE naught kya ho gaya? 1 minus 3/8. LCM lo, 8 LCM aega, 8 minus 3 is equal to 5/8. Now 5/8 is the probability of getting the red balls, not red balls. 5/8 is the probability of getting not red balls. 5/8 is the probability of not red balls. From here also you can see ki total balls thi 8, hai na, unme se 3 red thi aur remaining were the not red balls, were the black balls. So black balls jo hai wahi aapki not red balls hai. 5/8 is the probability of not getting not red balls. ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसका हम इधर आ जाते हैं, नाउ अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, एक बॉक्स में कितने रेड मार्बल्स हैं, देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। एक बॉक्स है, इसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 5, 4 ग्रीन मार्बल्स है, मेरे पास ग्रीन नहीं है इसलिए मैं ब्लू यूज कर रही हूँ, ये मेरे पास 4 ग्रीन मार्बल्स है। देखो ये तो हमारे पास है रेड मार्बल्स, रेड मार्बल्स, ये हमारे पास है ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, एंड 8 हमारे पास है, 8 हमारे पास है
व्हाइट मार्बल्स जिसको मैं ब्लैक से शो कर रही हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दीज आर अवर व्हाइट मार्बल्स. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड बॉल निकलेगी, सो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 फेवरेबल आउटकम्स है 5 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो 17 आपकी टोटल पॉसिबल आउटकम है जिसमें से 5 by 17 is the probability of getting red balls, sorry red marbles. Then white marbles की क्या probability है भाई? तो देखो वाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी है, टोटल मार्बल्स तो 17 है और वाइट मार्बल्स आपके यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 by 17. नाउ द थर्ड इज नॉट ग्रीन. अब जो ग्रीन नहीं है, अगर इसके को आपको करना है ना, तो आप पिक्चर से भी समझ सकते हो कि नॉट ग्रीन यानी ग्रीन को छोड़ के सारी, तो ग्रीन को छोड़ के क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 जो ग्रीन नहीं है, तो 13 by 17 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन बॉल. या फिर अपना फॉर्मूला लगा दो, PE + PE0 = 1. PE इज गिवन टू यू एंड यू नीड टू फाइंड PE0, सो यू कैन डू दैट. और इसको अगर हम सिंपली करें तो हमें यहाँ से देख के भी पता चल रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 हमारी नॉट ग्रीन बॉल्स है आउट ऑफ 17. ठीक है, तो ये तीनों हमने कर लिया. अब यहाँ पे क्या है, अब पिगी बैंक, ये वाला ना इम्पॉर्टेंट तो मतलब सारे वैसे इजी हैं इसके, लेकिन ये वाला जो है हल्का सा ये ट्रिकी लगता है, इसलिए क्योंकि इसमें ना वैल्यूज लोग गलत कर देते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 ये करवाने वाली हूँ. अब यहाँ पे आपके पास एक पिगी बैग है, पिगी बैंक है, अच्छा, और इसमें क्या क्या है. सो पिगी बैग कंटेन्स 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज, ओके 150 पैसे कॉइन. तो 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 100 है. 50 रुपीज 1 कॉइन. अब 50 रुपीज का 1 कॉइन है, ठीक है. 20 रुपीज 2 कॉइन. अब 20 रुपीज के 2 कॉइन है. 10 रुपीज के 5 कॉइन्स है, ठीक है. ठीक है, इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन. अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन्स निकलेंगे वो 50 पैसे कॉइन्स होंगे. देखो हमारे पास जो टोटल कॉइन्स हैं, तो यहाँ पे ना देखो हमने क्या किया कि क्वेश्चन को यहाँ पे हम देख लेते हैं, पर यहाँ पे ये सब देखो 150 पैसे कॉइन्स, तो 100 हमारे पास 50 पैसे के कॉइन्स आ गए, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 50 कितने हमारे पास ₹1 के कॉइन्स हैं, तो 50 कॉइन्स हैं हमारे ₹1 के, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स, ठीक है, तो 20 हमारे पास ₹2 के कॉइन्स हैं, 10 5 रुपीज़ कॉइन, और हमारे पास 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं, 10 हैं, तो हमारे पास 50 पैसे 100 कॉइन्स, ठीक है, 50 पैसे कितने हैं 100 कॉइन्स हैं, 50 पैसे हमारे पास है ना कि 100 कॉइन्स हैं, ₹1 के 50 कॉइन्स हैं, ₹2 के 20 कॉइन्स हैं, ₹5 के 10 कॉइन्स हैं. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 50 पैसा कॉइन आए,
तो देखो 50 वैसे कॉइन्स कितने हैं, 100 हैं। तो आप सबकन का फिर सारे कॉइन्स का सम करो पहले, तो सभी कॉइन्स टोटल कितने कॉइन्स हैं आपके पास, तो ये आपका आएगा 180। और आपसे क्या बोला गया है कि आपके पास 50 पैसा कॉइन है, तो 100 कॉइन्स है 50 पैसे की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन इज 100/180। आपने इनको रिड्यूस कर देना है एंड यू विल गेट 5/9। सो 5/9 इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 50 पैसा कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। अब देखो 5 रुपीज कॉइन कितने हैं, 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, 5 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं, तो 5 रुपीज के 10 कॉइन्स को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएगा। देखो सारे इन सबको मिला के तो 180 है, ठीक है। अब 180 में से आपने 10 माइनस के तो 170, तो टोटल में से दैट इज 180 में से आपने जब 10 कॉइन्स हटा दिए, तो जब आपके पास ₹5 के 10 कॉइन्स नहीं आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी कि कितने कॉइन्स आपके हाथ में आएंगे, दैट इज द रिमेनिंग वंस, दैट इज 170। हमने क्या किया, टोटल हमारे हमारे को ₹5 के कितने कॉइन्स मिले हैं, 10 कॉइन्स मिले हैं ना हमारे पास में। अब अगर मैं 10 कॉइन्स को हटा दूंगी, या फिर मैं ये बोलती हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें ₹10 के कॉइन्स नहीं गिरे, मतलब ₹5 के कॉइन्स नहीं गिरेंगे, तो ₹5 के कॉइन्स कितने हैं, 10 कॉइन्स है, तो 10 को माइनस कर दो टोटल में से, सो 170/80, तो 180 में से 170 कॉइन्स हैं जो कि आपके 10 रुपीज कॉइन्स को हटा, मतलब 5 रुपीज कॉइन्स को हटा के, तो 5 रुपीज के 10 कॉइन्स को हटा करके 170/180 आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको यू विल नॉट गेट अ 5 रुपी कॉइन, ठीक है। अब देखो मैं ना यहाँ पे अभी इतने क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ आपको, 10 क्वेश्चंस, चाहे तो हम आगे भी कर सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, कर लेते हैं, है ना। नाउ गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज इक्वेरियम। गोपी क्या करती है, अपने गोपी एक शॉप पे जाती है फिश खरीदने अपने एक्वेरियम के लिए, गोपी बॉय है यहाँ पे। द शॉपकीपर टेक्स वन फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल्स एंड 8 फीमेल फिश। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी द फिश एगेन बी मेल फिश, फिर मेल फिशेस कितनी है, 5 है, तो फेवरेबल आउटकम इज 5/ टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 13, तो 5/13 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मेल फिश, एंड वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फीमेल फिश इज 8/13, सिंपल। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट अ स्पिनिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 0.8। देखो क्या है ना, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इसको तैयार करते हैं क्वेश्चन को, एक सेकेंड रुक जाओ बस। यस देखो आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है, यहाँ पे आपका आपके पास 8 नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो टोटल नंबर्स 8 है और इनमें से 8 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8, क्योंकि 8 नंबर तो बस एक बार आ रहा है, तो 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8। एंड ऑड नंबर, अब ऑड नंबर होता है वो नंबर जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे नंबर्स, 1 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, 5 इज एन ऑड नंबर, 7 इज एन ऑड नंबर, तो टोटल पॉसिबल आउटकम है 8 और इसमें से फेवरेबल आउटकम जो कि ऑड नंबर्स है, सो दैट इज 1, 2, 3, 4, तो 4/8 विच इज 1/2, इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। नंबर ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 नंबर्स कौन से हैं, 2 को हटा के 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर्स ग्रेटर देन 2 हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो टोटल नंबर में से जो आपके फेवरेबल आउटकम है वो है 6, क्योंकि 6 ऐसे नंबर्स हैं जो कि ग्रेटर देन 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज 8, फेवरेबल आउटकम है 6, कैसे, क्योंकि 6
है, हमें ऐसे नंबर मिले हैं जो ग्रेटर देन टू है। नंबर ग्रेटर देन टू हो गया, नंबर लेस देन नंबर लेस देन यस नंबर लेस देन नाइन। अब देखो नाइन से छोटे तो सारे हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज एट, एंड आपके फेवरेबल आउटकम इज ऑल्सो एट, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स नाइन से छोटे हैं, तो आठों के आठ आपके एट बाई एट बन गया ये, और दिस विल बी वन। दिस मीन्स कि नंबर लेस देन नाइन, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है वन, एंड सच एन इवेंट इज अ श्योर इवेंट। ओके नाउ अ डाइस इज थ्रोन। अब डाइस को जब थ्रो किया तो सबसे पहली चीज़ की क्या क्या आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है ना। अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो इटसेल्फ खुद से और वन से के जिसके फैक्टर्स केवल वो खुद होते हैं और वन होता है, नंबर्स हैविंग फैक्टर इटसेल्फ एंड वन। तो वन को छोड़ कर के देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होता है, खुद को छोड़ के और किसको छोड़ के, वन को छोड़ के। अब ये प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो टू इज़ अ प्राइम नंबर, थ्री इज़ अ प्राइम नंबर, टू का कोई और फैक्टर है नहीं, वो खुद है और एक वन है। टू को आप या तो वन से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप वन, देखो टू जो है ना टू इंटू वन है, टू इंटू वन गिव्स यू टू, बस यही एक ऐसा नंबर है टू इंटू वन जो टू दे रहा है, तो टू और वन दोनों फैक्टर्स हो गए टू के। थ्री भी है, ये भी एक प्राइम नंबर है, फाइव भी प्राइम नंबर है। अच्छा वन क्या प्राइम नंबर है? नो, वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता, कंपोजिट नंबर होता है जिनकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वन नाइदर अ कंपोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर। नंबर लाइन बिटवीन टू एंड सिक्स, तो यहाँ पे दो और सिक्स के बीच में कौन कौन से नंबर लाया कर रहे हैं, थ्री फोर फाइव, सो देर आर थ्री नंबर्स विच आर बिटवीन टू एंड सिक्स, सो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम है सिक्स, ठीक है। एंड जो फेवरेबल आउटकम है इट इज थ्री, वन टू थ्री, थ्री है, फोर है, फाइव है, ये तीन नंबर्स हैं जो टू और सिक्स के बीच में लाया कर रहे हैं, तो दिस इज थ्री बाई सिक्स विच इज हाफ। नाउ हियर कम्स वन, अच्छा ये फर्स्ट वाले का मैंने प्राइम नंबर बता दिया, तो उसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, टू एक प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, फाइव एक प्राइम नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम है आपके थ्री विच इज वन टू थ्री, ये हुए ना टू थ्री फोर जो है ये आपके टू थ्री फोर दैट इज वन टू थ्री, ये आपके क्या हो गए प्राइम नंबर्स हो गए, एंड टोटल फेवरेबल आउटकम है सिक्स, तो ये हो गया आपका थ्री बाई सिक्स अगेन वन बाई टू। अच्छा यहाँ पे लास्ट क्या है इसका, एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन से हैं, तो वो नंबर जो टू से डिविजिबल ना हो, तो थ्री और फाइव दो ही आपके ऑड नंबर्स हैं, और वन भी ऑड नंबर है, यस वन थ्री, ये वन टू थ्री, सो थ्री अपॉन सिक्स दैट इज हाफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। अब यहाँ पर ना आपका सिंपल वाला पोर्शन खत्म होता है, ऑल्दो आगे भी सिंपल है, लेकिन कंपेरेटिवली अब थोड़ा आपको चीज़ें लर्न भी करनी होगी। अब नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग कार्ड्स को देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स भी निकाल के रखे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसका ध्यान रखते हुए हम कार्ड्स वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कार्ड्स के बाद हम दो डाइज लेंगे, हम तीन कॉइन्स को लेंगे और उनमें देखेंगे हेड और टेल की क्या प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉइन, डाइस और कार्ड, ये तीनों चीज़ें जो है ना इनको कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।